वेलकम टू लीनिया चैनल के साथ मैं हूं रॉबर्ट छोड़ी। नाजी, ये वो इलाका है खोरी गार्डन। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, कराची की मुनफरिद दुकान है जहां हर मौसम के फल का जूस लगाया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जिसमें लगाया गया था आलूचा आड़ू। इस बार है अनार और सेब का रिफ्रेशिंग जूस। आपको पता है अनार छीनना तो मुश्किल होता है, लेकिन उसका रिफ्रेशिंग और ताजा ताजा जूस मिल जाए तो क्या ही बात है। तो बताते हैं किस तरह तैयार हो रहा है, क्या क्या इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, किस तरह इसकी मेकिंग हो रही है। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में। ये है रिफ्रेशिंग जूस के मालिक, इनसे जानूंगी इनको कितनी खुशी होती है जब हर मौसम का फल आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताइए, जब दुनिया में बच्चा आता है और इतनी खुशी होती है, यहाँ जब एक मौसम के हिसाब का फल आता है तो आपको कितनी खुशी होती है, क्योंकि आप तो हर मौसम के फल का जूस लगाते हैं। हमें तो जब भी खुशी होती है जब ग्राहक पसंद करते हैं जिस चीज को। अच्छा, अब जैसे लोगों का दिल भर गया आड़ू से। हाँ। अब लोग कह रहे थे अनार लाओ, सेब लाओ, इंतजार करते फ्रूट के आने का, सोचते हैं। बिल्कुल सोचते हैं। आपको पता अनार छीलना तो मुश्किल है, मैं तो बिल्कुल नहीं छील पाती। मुझे छिला छिलाया मिल जाता है, या कोई रेडी वाला जा रहा होता है वो बेच रहा होता है तो उससे मैं लेके खा लेती हूँ, और यहाँ पे भी आती हूँ मैं खाती रहती हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ आपको मुश्किल नहीं लगता अनार? हर चीज का आदमी को प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब आप लोगों को भी सिखाएंगे तो आप भी काटने लगोगी। चलिए, मैं भी सीखूंगी कि अनार किस तरह छीला जाता है, और आप लोग भी सीखिएगा कि किस तरह ये अनार छील रहे हैं और फटाफट निकाल लेते। कितने निकाल लेते हैं अनार? 20 पेटी कट जाती है रोजाना। मतलब रोज की 15-20 पेटी निकल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या मिला रहे हैं जूस? सेब और अनार मिक्स है। और इसके ना कुछ और फ्लेवर्स भी हैं? नहीं, फ्लेवर कोई नहीं मिला। मतलब नमक वमक? नमक है, नमक है, नमक बर्फ, नमक बर्फ, थोड़ी सी चीनी। तो नमक से जायका अच्छा रहता है, चीनी डालने से खट्टा भी खट्टा है ना। अच्छा, नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, मतलब इसके अंदर चीनी मिला रहे हैं और काला नमक मिला रहे हैं और बर्फ होता है ये लोगों को पिला रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ग्राहक भी हैं जो बिना नमक के पीते हैं? वाले जो है ना बगैर नमक का मांगते हैं। अच्छा, आपको कौन सा जूस पसंद है, आपको कौन सा फल पसंद है? खुद को फालसा। अंकल फालसा तो चला गया, अगले साल का इंतजार कर रहे हैं, अगले साल आएगा। फ्रेशिंग जूस आपको एक जगह अगर मिल जाए और तो क्या ही बात है। प्राइस क्या है अभी? 60 रुपए। 60 रुपए यार, रेट नहीं बढ़ाना अंकल, पता है लोग भी अभी नहीं बढ़ाएगा ना। अगर इनको काट के दिखा दे भाई। चले जी, अनार आपको दिखाते हैं किस तरह तैयार किया जा रहा है। ये भी तो बता दें लोगों को, काफी सवाल ऐसे होते हैं कि एक गिलास में कितना सेब और कितना अनार डाल। कोई अंदाजा नहीं होता क्योंकि हम क्वांटिटी में बनाते हैं। अच्छा, तो एक जग में कितने सेब और कितना अनार? तकरीबन 3 अनार डालेंगे, 2 सेब डालेंगे। अच्छा, अनार ज्यादा और सेब कम? हाँ, अनार ज्यादा डाल, अनार ज्यादा, सेब कम डाल। सेब डालने की वजह क्यों, मिलावट क्यों है इसमें? और वैसे वो मिलावट नहीं है, पानी की मिलावट नहीं या कोई फ्लेवर की मिलावट नहीं है, फ्रूट ही मिल रहा है, गलत चीजें मिल रही नहीं कि क्यों मिलावट है? अनार ज्यादा खट्टा होता है, सेब इसको कवर करता है, इसलिए ना लोगों को टेस्ट आया। खाली अनार का पिलाएंगे लोगों के गले आ जाएंगे। ये अनार आपको कैसी पहचान होती है कि कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है? ये खंदारी अनार खट्टा ही होता है, खट्टा ही होता है, शुरू में खट्टा होता है, जब सर्दी हो जाती है ना फिर मीठा हो जाता है। देख सकते हैं कुदरत की शान, देखिए अच्छी क्वालिटी के अनार ला रहे हैं अंकल, छोटे वाले भी नहीं है बड़े साइज के। छोटे बड़े में क्या फर्क होता है? बड़े में ज्यादा दाना निकलता है, अच्छा, छोटे में वेज ज्यादा निकलती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि छोटा खट्टा ज्यादा होता है, बड़ा मीठा होता है। ये भी है, मुमकिन है, ये बात सही। थैंक यू। आज तो बड़ी खुशनसीबी की बात है, आज ऐसी कस्टमर हमें मिल गई यहाँ पर जो 20 साल से ये जूस पी रही है, लेकिन इनका कहना है मुझे जूस पीते पीते शुगर हो गई है, लेकिन मैं फिर भी जूस नहीं छोड़ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो यहाँ बता रही कि मैं जूस पीते पीते मुझे शुगर हो गई? नहीं, ये तो मैंने मजाकन कहा, शुगर मुझे 22 साल हो गए और जूस पीते हुए मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो मतलब ये जूस इतना अच्छा है, रिफ्रेशिंग है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इससे बीमारियां भी जाएंगी। जी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, तो हर फल एंजॉय करती है। जी जी बिल्कुल। मतलब कितना इंतजार रहता है आपको अगले नेक्स्ट फल का? बस ये है कि जब मेरा यहाँ आना होता है मार्केट में, तो जब मैं यहाँ आती हूँ तो पहले मैं यही बैठ के पीती हूँ। जी, फिर मैं आगे जाती हूँ। आज तो जूस पी के बड़ा मजा आ जाएगा, क्योंकि डेकोरेशन देखिए कितनी जबरदस्त सी की है, और एक गुच्छा अनार का आपको साइड में मिल गया। मेरा दिल चाह रहा है कि इस गुच्छे को ऐसे खा जाऊं, क्योंकि मुझे अनार बहुत अच्छे लगते हैं, जूस इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहाँ अनार का जूस मिल जाए रिफ्रेशिंग तो क्या बात है। तो चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। अनार खाने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि अनार की डेकोरेशन इतनी जबरदस्त सी हुई हुई है, और जब आपको अनार का जूस रिफ्रेशिंग मिलता है तो क्या ही बात है। इसको पीने के बाद एक ही लफ्ज आता है, वाह,
बहुत ही मजे का है और इसको पीने से एक ठंडक फील हो रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं रिफ्रेशिंग जूस पीना तो खोरी गार्डन मेमन मस्जिद के पास जरूर आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनू छोटी को इजाजत, देखते रहिए डेली नया।